हेलो नमस्कार यूटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह हो चुकी है, तो सुबह होने के बाद हमने सबको चाय दे दी थी, तो यहाँ पर नहा धो के भी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर माँ जी कपड़े डाल रही हूँ कुछ सूखने के लिए। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर बदल भी हो रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है। और यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा हम घूमने आ गए, तो आप लोगों को दिखा दें। तो यहाँ पर ना हमारी गाय वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर ना थोड़ा हरा भरा खेत है, क्योंकि इस साल ना खेतों में कुछ नहीं हुआ था, तो सारे में गायों के लिए हमने चरने के लिए चारा वो दिया था, तो खा रही। तो यहाँ पर सारे खेत साफ हो चुके हैं, और यहाँ पर ना जब बारिश होगी तो उसके बाद इसमें बीज डाला जाएगा खेतों में। अभी खेतों में कोई भी बीज नहीं डाला गया है, तो यहाँ पर खेत को साफ करके रख दिया है। और यहाँ क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ बारिश नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो इतने में क्या ना बीज डाल देंगे, तो बीज ख़राब होने का भी डर रहता है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो बीज भी ख़राब हो जाएगा, तो काफ़ी नुकसान होगा, फिर दोबारा से लेना पड़ेगा। इसलिए अभी कोई बुवाई नहीं हुई है, तो यहाँ पर ना आ गए हैं हम उसके बाद खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम बनाए तुरई की सब्ज़ी, तो जो पहले से काट पीट के रख दी थी, तो यहाँ पर ना हमने तेल डाल दिया था कढ़ाई में। अब थोड़ा सा हम जीरा डालें और सब्ज़ी को अच्छे से छौंक लेंगे। तो आज का दिन ना काफ़ी खास दिन है, तो क्या ना कि जल्दी से खाना बना के हमें कहीं जाना भी है, तो क्या ना हर जगह ऐसा ही चल रहा है, तो कहाँ जाना है और सब लोग जाएंगे, तो हम आज हमारे यहाँ वोट डले जा रहे हैं सरपंच के, तो ना उसमें हमें वोट डालने के लिए जाना है, तो जल्दी, क्योंकि आज सुबह से ही चालू हो गए थे, तो हम तो घर का काम सारा निपटा के जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जब घर के काम से फ्री हो जाएंगे ना, तब जाएंगे। तो यहाँ पर ना वोटिंग होगी सब, कितने 5 यानी सुबह के 7 बजे से वोटिंग हुई थी, और शाम के 5 बजे तक तो यहाँ होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी लौकी तुराई की सब्जी, तो यहाँ पर ना थोड़ा बड़ा कट के डल गया था, तो हमें ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर ना उसको हमने काट के फिर दोबारा से डाल दिया है, तो यहाँ पर ना तुराई को हमने छोंक दिया है। फिर जो भी मसाले हैं अपने घरेलू, तो वो डाल देंगे और थोड़ा सा मिला के वो ढक के रख देंगे, जिससे हमारी सब्जी जल्दी पक जाएगी, और उसके बाद हम रोटी बना लेंगे, क्या ना कि जल्दी से। और यहाँ पर जितने जल्दी काम न पड़ जाए उतना ही अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं करता, अपना अपना काम सब करते हैं, लेकिन खाना बनाना तो मेन घर की बहू का रहता है, तो उन्हें तो खाना बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे। और गर्मी भी, वो बारिश होती है ना, तो लाइट वगैरह नहीं आती, तो काफ़ी समस्या होती है और परेशानी भी होती है, तो यहाँ पर ना बहुत परेशानी होती है, लाइट के बगैर कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि 2-3-4 दिन से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है, क्या ना कि पानी लाइट की समस्या है, तो मोबाइल भी चार्जिंग नहीं हो पा रहा था, तो क्या ना कि लाइट नहीं आती। गांव में तो काफ़ी नेटवर्क की परेशानी होती है, लाइट की भी परेशानी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी भी को मसाला अच्छे मिला लिया था, इसको हमने ढककर रख दिया है, तो ये हमारी सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी करते हैं हम रोटियां भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमें तैयार होके वोट डालने भी जाना है, जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी रहता है। सबका काम पीछे एक काम सबसे पहले रहता है। और यहाँ पर ना माँ जी बैठी हुई है, तो थोड़ा खाना माना खा के आराम कर रही थी, तो उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पर ना हम रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल साड़ी पहने हैं, हमने रेड कलर की साड़ी पहनी है, तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके बैठी हुई, क्योंकि अभी हमने फ़ोन लगाया था, तो बोल रहे थे कि काफ़ी भीड़ हो रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सोचा कि बैठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भीड़ नहीं होगी, तो फोन लगाया तो फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम हवा ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही हम जाएंगे। लाइट भी थी और काफ़ी भीड़ में तो काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर देखिए हम वोट देकर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखना हमारा निशान, तो ये हमारी वोटिंग का निशान है, जो 3-4 दिनों तक निशान रहेगा कि हमने वोट दिया है। जो भी वोट देते हैं ना, तो यहाँ पर ये निशान बनाया जाता है, जो 3-4-5-6 दिन तक काफ़ी नहीं छूटता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, सब लोग वोडा का, माँ जी और नव्या और हम तीनों गए थे वोट डालने के लिए। तो यहाँ पर शाम का समय हो चुका है और बच्चे लगे हैं मस्ती करने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को
प्रेस करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो। और माफ़ कीजिएगा अगर 3-4 का भी कभी वीडियो नहीं आ पाता है, थोड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर ना शाम के समय बच्चे लगे हैं खेलने के लिए मस्ती, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है कि सब बच्चों का मन करता है खेलने के लिए, तो आस पास से भी वो आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।